हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे, जो आप सब लोगों की फरमाइश पर आप सब ने कहा था कि अप्पे क्या है ये बनाना ज़रूर। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो उसके लिए लेती हूँ मैं प्याज, टमाटर, आलू और मिर्ची। तो सबसे पहले ना मैं प्याज को छील के उसको है ना किस लेती हूँ, क्योंकि ना प्याज किस लो तो थोड़े बारीक बारीक सा हो जाता है ना, तो सही है। क्योंकि खड़ी ज़्यादा प्याज वैसे काट कर डालो ना तो सही नहीं बनते हैं। और आलू भी मैं किस लेती हूँ किसनी से। और ये मेरी किसनी आपको दिख रही होगी ना, काफ़ी पुरानी है। हाँ वो ना काफ़ी पुरानी है मेरी किसनी, तो ना मैं इसको किस लेती हूँ। और मैं फिर यहाँ मिर्ची भी काट लेती हूँ, और फिर टमाटर भी छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक टमाटर भी काट लेते हैं। तो इस तरह मेरे प्याज मिर्ची ये सब कुछ बिल्कुल कट गया है। आलू और प्याज मैंने किस ली थी किसनी से, और टमाटर और मिर्ची मैंने काट ली थी बिल्कुल बारीक बारीक। तो अब फिर उसके बाद मैं लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब आधा किलो सूजी। तो आधा किलो सूजी मैं डाल देती हूँ 250 ग्राम दही, क्योंकि दही डालने से ना स्वाद अच्छा आ जाता है अप्पे का। और मैं हमेशा दही यूज करती हूँ, मठा यूज नहीं करती हूँ। आप भी ना दही यूज करना, क्योंकि ना इससे अप्पे ना अच्छे बनते हैं। और मैं इसको ना फिर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा खटाई का स्वाद भी आ जाता है इसमें अच्छा। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से और मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं डालूंगी कटे हुए सारे मसाले जो मैंने काट के रखे थे, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची। और ये ना सब प्याज और आलू ना किसनी से किस के डालो ना तो ज़्यादा सही रहते हैं। तो फिर आलू ना काफ़ी मोटे मोटे रहते हैं, तो वो पकते नहीं हैं उसमें। अप्पे जब बनाते हैं हम तो वो सही से नहीं पक पाते, इसलिए मैं किसके डाल देती हूँ। तो किसके डालने से ज़्यादा सही रहता है। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, सब मिक्स कर लूँगी। ये सब मेरा अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसके बाद डालूंगी मैं सारे सब्जी के मसाले जो नॉर्मली सबके घर में तो मिल ही जाते हैं। और ये अप्पे बनाने की विधि ना बहुत सरल है ये रेसिपी। और इसमें ना हम, और ये मैंने यहाँ थोड़ा सा दही डाल दिया, क्योंकि मुझे पेस्ट थोड़ा सा मुझे गाढ़ा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसमें फिर से थोड़ा सा दही डाल दिया है ताकि ये अच्छा सा बन जाए। पेस्ट ना थोड़ा पतला सा बनता है। तो फिर यहाँ पर मैंने, अब मैं डालूंगी यहाँ पे सब्जी के सारे मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया है धनिया। धनिया मैंने अपने हिसाब से 3 चम्मच दी है, जैसा पेस्ट रहता है उसी हिसाब से ये मसाले डाल देते हैं। और यहाँ डाली मैंने लाल मिर्च अपने हिसाब से, जो मैं 2 चम्मच ही डालूंगी, क्योंकि नहीं फिर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हरी मिर्ची भी मैंने डाली है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसमें गर्म मसाला। और अब मैं डालूंगी इसमें 3 चम्मच सौंफ और 1-2 चम्मच जीरे। तो ये सब डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप सब लोग अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, क्योंकि जैसा पेस्ट होता है उसको ना उसी हिसाब से उसमें मसाले डालने पड़ते हैं। तो मेरा पेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने उस हिसाब से इसमें मसाले डाले। और अब ये मेरी सौंफ डल गई है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरे। तो ये मेरे जीरे भी मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी खाने वाला सोडा, जो सबके घर में तो मिल ही जाएगा सोडा। तो ना सोडा 1 चम्मच डाल देती हूँ, इससे ना काफ़ी सॉफ्ट अप्पे बनते हैं और खाने में काफ़ी मुलायम होते हैं ये। तो इससे ना थोड़े से फूल भी आते हैं। और ये सोडा डाल देती हूँ मैं। और फिर मैंने डाल दी है इसमें थोड़ी सी हींग, जो मतलब स्वाद के लिए थोड़ा सा सही रहती है, थोड़ी खुशबू भी आ जाती है। अब मैं इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरा पेस्ट है ना पूरा अच्छे से मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, मतलब 1 घंटे के लिए ना मैं इसको ढक के रख दूँगी। अभी मैं सारा ये मिक्स कर लूँ, फिर इसके बाद मुझे डालना है नमक। तो मैंने इसमें डाला 2 चम्मच नमक। तो नमक डालने के बाद फिर से मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और बस ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए ये रखा रहेगा पेस्ट ऐसे ही। और जब तक मैं इसमें थोड़ा सा धनिया काट लेती हूँ, हरा धनिया। तो मैंने यहाँ हरा धनिया भी काट लिया है। तो अब मैं इसको इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फिर मैं इसको रख देती हूँ। 1 घंटे के लिए हम ये पेस्ट बनाकर रख देते हैं ताकि। और अभी तक लाइट भी नहीं आई है और मेरे अप्पे का पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। उसे 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। और काफ़ी देर से मैं ना लाइट का वेट कर रही थी, लाइट आ जाए तो ना इंडक्शन चूल्हे पे बनाते हैं अप्पे। पर मुझे लगता है शायद आज ये मौसम की वजह से ना आज लाइट भी नहीं आएगी, क्योंकि बारिश होने लगी है तो शायद यहाँ की लाइट भी नहीं आती, क्योंकि यूपी में लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अगर मौसम ख़राब है तो लाइट बिल्कुल नहीं देते, लाइट ही काट देते हैं बिल्कुल। तो शायद मुझे लगता है मैं गैस पे ही अप्पे बनाती हूँ, तो गैस पे ही बना लेते हैं अप्पे। लाइट का कहाँ तक मैं वेट करूँगी, अभी काफ़ी शाम भी हो गई है और नाइट होने वाली है, तो इस वजह से अब मैं गैस पर ही बनाती हूँ। पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है
और अब मेरा पता नहीं कब तक आएगी लाइट, तो क्यों उसका वेट किया जाए, फिर काफ़ी ज़्यादा नाइट हो जाएगी अगर इंतजार किया जाएगा तो। काफ़ी बारिश भी होने लगी है हल्की हल्की, ऐसे मौसम में आपे बना के खाओ तो बात ही अलग है। और इतने प्यारे से मौसम में मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे आप सब लोगों की फरमाइश पर। जो मैंने वीडियो डाला था अभी अपनी शॉपिंग का, तो सबने मैसेज किया था कि ना आप ये अप्पे क्या हैं और क्या होते हैं ये अप्पे, तो आप प्लीज़ रेसिपी बनाकर आप जरूर बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर ही अप्पे बनाने जा रही हूँ। और मौसम भी काफ़ी प्यारा है बारिश वाला, और काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही है, मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं इतनी तेज़ हवा। और ना और अब मैं बनाऊंगी अप्पे। तो पेस्ट तो मैंने बना के रख दिया था और 1 आवर हो गया है मेरे पेस्ट को रखे हुए, तो अप्पे बनाते हैं और फिर गर्म गर्म अप्पे खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अब ये है अप्पे का ओवन, इसमें मैं लगा लेती हूँ जरा जरा ओवन, और इसमें ना पहले लगा लेते हैं तेल। तो ये मैंने इसमें पूरा अच्छी तरीके से लगा लिया है तेल, इसका ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। ये जो इसके जो सांचे बने हुए हैं हिसाब से डालना है थोड़ा थोड़ा सा। अब हम इसको रख देंगे और ये ऊपर से इसको यहाँ ढक देते हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि ये बने हैं या नहीं बने, क्योंकि मैंने 5 मिनट तक इसको ढक के रख दिया था, तो ढकने से ना ये जल्दी बन जाते हैं। इस वजह से मैं इसको चेक कर रही हूँ कि बन गए हैं या नहीं, तो मैं इनको थोड़ा सा निकाल के देखती हूँ। अगर ये निकल जाएंगे तो समझ जाते हैं कि बन गए हैं। तो ये मेरे अप्पे निकलने भी लगे हैं, तो थोड़ा सा मैं गैस बंद करके इसको ढक के रख दिया, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है इसलिए। अब मेरे अप्पे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, देखो ये कितने अच्छे बन गए हैं, कितने सॉफ्ट, और ये फूल भी गए हैं क्योंकि मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाला था, इसलिए कितने सॉफ्ट बने हैं मेरे अप्पे। तो मैं इनको सबको निकाल के इसमें रख लेती हूँ प्लेट में, काफ़ी गर्म है इसलिए मेरे हाथ भी जल रहे हैं निकालने में अभी। कितने फूल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बन जाते हैं ये। इसमें ना थोड़ा सा खाने वाला सोडा अगर हम डाल लें तो ये अच्छे बनते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, कितना पानी गिर रहा है। और अभी यहाँ पर ये देखो ये आ गए हैं कृष्णा डांस करने के लिए, और कान्हा इतने पानी में गीले होने के लिए इतना मना किया फिर भी नहीं मान रहे हैं, और बारिश में डांस भी कर रहे हैं और कपड़े भी साथ में गीले कर रहे हैं। और ऐसे बारिश के मौसम में तो कपड़े वैसे भी नहीं सूखते हैं, पर बच्चे तो अपनी ज़िद करते हैं, दूसरों की कहाँ मानते हैं। और अभी मेरे अप्पे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, वो अभी गरम गरम थे इसलिए मैंने उनको ऐसे ही रख दिया है, थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर मैं उनको प्लेट में अच्छे से रख लेती हूँ। और यहाँ देखो कितनी मस्ती हो रही है, बस अपने आगे किसी की सुनना ही नहीं है, कितने कपड़े गीले हो रहे हैं यहाँ पर, फिर भी कृष्णा और कान्हा नहीं मान रहे हैं, अच्छी पानी में नहा रहे हैं दोनों के दोनों। और यहाँ अब मैं चलती हूँ किचन में थोड़ा सा, और यहाँ मेरे अप्पे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो देखिए आप सब लोग मेरे अप्पे। और अब हम लोग आ गए हैं ऊपर छत पर, यहाँ कितना प्यारा लग रहा है ऊपर छत पर, इसलिए मैं अपने अप्पे लेकर ऊपर ही आ गई हूँ छत पर। मौसम हो रहा है और चारों तरफ कितनी बारिश हो गई है, तो उस वजह से ना कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे में कहीं घूमने जाओ तो कितना प्यारा लगता है। और यहाँ देखो कृष्णा कर रहे हैं डांस, वो तो कहीं भी डांस शुरू हो जाता है उनका तो फुल मस्ती के साथ। और ये बन गए हैं मेरे अप्पे, तो आप सब लोग भी इन्हें खा लीजिए। ये हैं मेरे अप्पे, कितने सॉफ्ट बने हैं ये आपको दिख रहे होंगे देखिए, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी हैं ये, पर मैंने तो अभी नहीं खाए हैं, पर अभी कृष्णा को खिला के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं, इनका स्वाद कैसा है। तो आप सब लोग भी बनाना ये अप्पे, और काफ़ी सरल है जी, है ये चीज़ें हर मतलब घर में अवेलेबल हो जाती है, हर चीज़ घर पर मिल जाती है। तो कितनी तेज हवा चल रही है, तो मेरे ना बाल उड़ रहे हैं और साड़ी उड़ रही है, तो ना आप भी ना इसे घर में जरूर
बेचना, चलो आओ खा लो, टेस्ट करके बताओ जरा कैसे बने हैं। अच्छे अच्छे लग रहे हैं, हैं काफ़ी अच्छे हैं, हैं। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी अप्पे की रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और आप सब लोग घर पे ज़रूर ट्राई करना। और उसमें नॉर्मल चीज़ें लगती हैं जो सबके घर में यूजुअल होती हैं, सबके घर में मिल जाएंगी, तो आप लोग उसे ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर दिखाना। और जब आप लोग जब बनाएँ तो उसका फ़ोटो या वीडियो मुझे ज़रूर सेंड करें। तो गाइस आज का मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग्स एंड न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें और आप उन्हें देखते रहें और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।